ओके, हमारा काम तो अब खत्म हुआ, चलो चले। एक मिनट रुको। पाको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने शिप पर एक कैट देखी थी, उसे लेने जा रही हूँ। कहीं पाको वहाँ पर फंस न जाए, वहाँ पर ज्यादा खतरा है। पर मैं तुम देख रहे हो ना? अरे ऐसा मत कहो, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। पाको, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ। मुझे कैट मिल गई। चलो अच्छा हुआ। ओ नो। अरे वो कौन थी जो मेरी जान बचाकर चली गई ऐसे? अरे क्या हुआ, क्या बात है परमैन? एक लड़की ने मेरी जान बचाई, पता नहीं कौन होगी वो। अब उसके बारे में मत सोचो, स्कूल जाना है कि नहीं? जानते हो 7:30 बज चुके हैं, 7:30। और वो वहाँ की प्रिंसेस थी जो बहुत सुंदर थी, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। कितनी सुंदर थी वो। मित्सो, हे मित्सो, तुम बताओ आगे क्या हुआ? हाँ, उसने मेरी जान बचाई और वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। अरे मित्सो, ये सब क्या कह रहे हो तुम? आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। तुम क्या किसी लड़की का सपना देख रहे थे? हाँ, तभी तो टीचर की डांट खानी पड़ी। तू सही कहा ना मैंने। देखो मजाक मत उड़ाओ, ये कहानी परमैन की है, समझे? परमैन? हाँ, परमैन को क्या हुआ, हमें भी बताओ ना। दरअसल एक लड़की ने परमैन की जान बचाई, पर उसे पता ही नहीं कि वो कौन थी और उसे वो कहाँ ढूंढे, ये सोचकर बहुत परेशान है बेचारा। ओह, ये तो मिचको ने भेजा है। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिस लड़की ने परमैन की जान बचाई, आप उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करें। वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी। वो तो मैं हूँ जिसने परमैन को बचाया है, पर उससे मुझसे क्या काम है? कैसे हो परमैन? ओ, मैं ठीक हूँ पाको। वैसे तुम्हें भी मेरी लाइफ सेवर को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी चाहिए पाको। तुम्हारी लाइफ सेवर कैसी है वो, बताओ। वो कैसी है? अरे वो तो आप कैसे बताओ मैं तुम्हें? देखो, बताना तो पड़ेगा ही, कोशिश तो करो, याद करो। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा? हाँ, पर वो बहुत सुंदर और दयालु लड़की है, एक ऐसी लड़की जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो इतनी अच्छी है कि मैं तो उससे बड़ा होकर शादी करना चाहूँगा। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन है कि फ्यूचर में हम दोनों की शादी जरूर होगी। अरे होकर ही रहेगी। एक ऐसी लड़की जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए उससे बड़ा होकर शादी करना चाहूंगा। पूरा मुंह कड़वा कर दिया। ये क्या एटीट्यूड है? जो कुछ पहले कहा वो सब कुछ भूल गए क्या? अरे अब इस बात का क्या मतलब था? हाँ सही कह रहे हो, जाती है तो जाने दो। अच्छा चलो बूबी, चलकर हम उसे ढूंढते हैं, ठीक है? चलो। मुझे तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है, आखिर कहाँ होगी वो? ओ, तो तुम कह रहे हो कि वो बीच पर सो रही होगी। चलो हो सकता है, देखते हैं।
क्या मैं उसे वहाँ जाकर ढूंढूं? पर वहाँ मैं जा चुका हूँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ अब समझा, तुम चाहते हो कि मैं समंदर के चारों ओर चक्कर लगाकर उसे ढूंढूं। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं करना चाहता हूँ पाको, पर वो क्या है कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है पायान। अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाना चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ। वैसे उसकी जरूरत तो नहीं है, पर मैं इतना चार्ज करता हूँ। ये ओके, तो मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। ओके, तो मैं ये घूमता हूँ। अरे अरे ये क्या है? ओहो, अब ये क्या है? बारिश का इफेक्ट लाने के लिए। नहीं। ये मौसम तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आजकल बारिश तो कभी भी होने लग गई है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? भूमि रुको, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये गई बाल्टी। ओ, ये तो परमैन को लग गई। ये पाको कहाँ गई? तो आखिर तुम वापस आई गई, यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था पता है? कल के लिए शुक्रिया, मेरे लाइफ सेवर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम बड़े होकर मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तुमने कहा था तुम मुझसे मिलना चाहते हो। देखो मैं आ गई, तुम्हारे लिए आ गई। ओ तो ये था तुम्हारी जिंदगी का अहम सवाल, तुम्हें इससे शादी करनी है। मेरे ख्याल से अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या लगता है तुम्हें परमैन? अरे तुम्हें क्या हो गया? खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे थे। क्या हो गया? लाइफ सेवर को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? लगता है बात बनने से पहले ही बिगड़ गई। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करता है पाको। क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, है ना बूबी? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? तो तुम्हें परमैन की लाइफ सेवर मिली या नहीं? वो मिल भी जाती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती, समझे? क्यों, क्या गड़बड़? दरअसल परमैन चाहता है कि वो इस लाइफ सेवर के साथ फ्यूचर में शादी कर ले, समझे? शादी। शादी? बचाओ मुझे दोस्तों। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मुझे कोई न ढूंढ सके। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो। ये क्या बात है, अपनी लाइफ सेवर को वहाँ अकेला छोड़ कर आए परमैन? अच्छा ये बात है, तो तुम इसके लाइफ सेवर हो पाको। अगर तुम परमैन से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जानते हो परमैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। परमी जी को, तुम और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, है ना? तो फिर मेरे बारे में तुम्हारे नहीं, मतलब तुम भी अच्छी दोस्त। नहीं नहीं तुम भी अच्छी दोस्त और तुम भी अच्छी दोस्त, दोनों अच्छी दोस्त। अरे सुनो तो सही मेरी बात।